इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। सो हाय गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक जेके एडिटिंग। तो आगे नए वीडियो के साथ आज हम राजस्थानी स्टेटस वीडियो एडिट करेंगे अलाइट मोशन ऐप से। तो इसके अंदर कुछ इफेक्ट है, दो इफेक्ट या तीन इफेक्ट हो गए, तो वो आपको मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। उसके बाद इसका कोई प्रीसेट तो नहीं है, ये दो प्रीसेट होगा तो वो दोनों इफेक्ट है, तो इफेक्ट मैं दे दूंगा। और जो आप जिस सॉन्ग पे बनाना चाहो वो उस सॉन्ग पे आप बना सकते हो। सबसे पहले आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको साइज सेलेक्ट करनी, 1080 2340 या 50 रखना है, आपको फुल स्क्रीन हो जाए। तो यहाँ पर 1080 2340 क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद में आपको सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना, और जो भी बैकग्राउंड में फोटो रखना चाहो उस फोटो को आपको सेलेक्ट करना है। तो मीडिया पर क्लिक करके उन फोटो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अपना ये फोटो है, इसको मैं थ्री लाइन पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो यहाँ पर हो गया। अपना वीडियो की ड्यूरेशन आप जितनी चाहो उतनी रख सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पर 5 सेकेंड आसपास कर लेता हूँ। तो जैसे कि 5 सेकेंड हो गई, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस फोटो पर जो भी क्लिक करना है और यहाँ पर इसको स्क्रॉलिंग करके ऐसे ले आएंगे सेंटर में। फिर से फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, गोशन ब्लर को सिलेक्ट करेंगे, ब्लर इफेक्ट को कुछ इतना कर देंगे। फिर से फोटो पर क्लिक करना, मोड ट्रांसफर क्लिक करके थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने फोटो के साइज़ को थोड़ी सी इंक्रीज कर लेना। फिर से बैक चलाएंगे, जो मैं आपको प्रोजेक्ट दे दूंगा इफेक्ट इसका। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्रुप एंड मास्क क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पर जो बैकग्राउंड वाला फोटो इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके इसका जो कॉपी इफेक्ट कर लेना, जो बैकग्राउंड में एक फोटो है उसका जो। तो इसके अंदर क्या है कि सिचुएशन वगैरह वो सब एडजस्ट हो जाएंगे। तो जैसे इस पर फोटो पर क्लिक करके इफेक्ट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है, तो अपना बैकग्राउंड में जो फोटो था उसको वो एडजस्ट हो चुका है। इसके बाद में आपको सबसे पहले तो अपना एक फ़ोटो दोबारा फिर से वही ऐड करना है। तो प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करेंगे, इस वाले फ़ोटो को हम दोबारा ऐड कर लेंगे। फिर से अपने फ़ोटो की ड्यूरेशन को हम कर लेते हैं यहाँ तक, तो ड्यूरेशन यहाँ तक हो गई है। तो फोटो की ड्यूरेशन एंड करने के बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और ये वाला शेप सेलेक्ट कर लेना है। इस शेप की ड्यूरेशन को कर देंगे एंड तक, तो ड्यूरेशन एंड तक होगी। उसके बाद में फिर से आपको यहाँ पर शेप पर क्लिक करना, इसकी साइज को हम बढ़ा देंगे, तो कुछ इतनी यहाँ तक हम कर लेते हैं। तो साइज हो गई। उसके बाद इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, जो पहले फ़ोटो ऐड किया उसको और इस इन दोनों को। फिर से हम बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक करके मर्ज कर लेते हैं। फिर से ग्रुप एंड मास्क पे क्लिक करना है, यहाँ पर एडिट ग्रुप पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो पर क्लिक करके फ़ोटो को हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको फ़ोटो को ऐड कर लेना एडजस्ट। फिर इससे आपको ग्रुप एंड मास्क पे यहाँ पर मोड ट्रांसफर क्लिक करके अपने फ़ोटो के साइज़ को थोड़ी सी बढ़ा लेना और यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। फिर से ग्रुप एंड मास्क पे क्लिक करना, बॉर्डर एंड शेडो पे क्लिक करेंगे, ऐड बॉर्डर पे क्लिक करना, शेडो को इनेबल कर देंगे और यहाँ पर आपको एक्स को कर लेना है 30। तो यहाँ पर 30 कर लेते हैं, 30 से ज़्यादा होगा तो चलेगा। फिर से वाई को भी यहाँ पर 30 कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये ज़्यादा ही हो रहा है कुछ, तो यहाँ तक हमने कर लिया। फिर से आपको यहाँ पर शेडो को बढ़ा लेना, शेडो की साइज को, तो 17 के आसपास शेडो की साइज को आपको कर लेना है, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एक मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा म्यूजिक प्लेयर की, जो भी यहाँ पर वो वीडियो है उसको आपको ब्लैक स्क्रीन को ऐड करना है। तो प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना है और उस ब्लैक स्क्रीन वीडियो को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो अपना ये वाला वीडियो है इसको हमें ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद अपने वीडियो के जो ड्यूरेशन है, जो अपने तो ज़्यादा पार्ट होगा इसका तो 1 मिनट के आसपास है, तो आपको इतना नहीं रखना, 30 के आसपास कर लेना अपने वीडियो को। उसके बाद हम इसको ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के बाद में इसको हम स्वाइप करके पहले तो नीचे स्क्रॉलिंग करके यहाँ तक ले आते हैं यहाँ पर। उसके बाद इस वीडियो पर दोबारा क्लिक करना, ब्लेंडिंग इन ओपासिटी पे क्लिक करेंगे, लाइटन पे क्लिक करके स्क्रीन कर देंगे। अगर आप लाइटन रखोगे तो थोड़ा सा हाइड हो जाएगा, इसलिए स्क्रीन रख लेना ताकि अच्छा दिखे। उसके बाद इसका जो ऑडियो है उसको हमें म्यूट करना है, तो ऑडियो म्यूट हो गया। इसके बाद यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करना और जो भी अपने चैनल का नाम हो, सॉरी चैनल का नाम नहीं, यहाँ पर अपने को जो सॉन्ग हो उसका नाम टाइप कर लेना। तो लिरिक्स को टाइप कर लेंगे यहाँ पर, मैंने टाइप कर लिया है, ये राजस्थानी सॉन्ग है इसलिए मैंने, तो कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि आपको ऐसे ही करना है, तो यहाँ पर जो भी अच्छा सा एक फॉन्ट सेलेक्ट करके फिर से आपको इसका जो कलर्स है वो इसके मैच होना चाहिए, इसलिए इसको कलर पे क्लिक करके ये वाला जो कलर्स हैं 2 नंबर वाला, इसको हमें सेलेक्ट करके यहाँ पर इसको ऐड कर लेना है। तो कलर्स ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है,
सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और दोबारा आपको यहाँ पर इमोजी सेलेक्ट करनी है। तो ये वाली इमोजी, ये वाली और एक और कर लेते हैं कोई भी, तो आर्ट वाली ये वाली ऐड कर लेते हैं। फिर से कलर पे क्लिक करना है, सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हमें ट्रांसपेरेंट कर लेना है। तो क्या है कि इमोजी स्पष्ट दिखेगी यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर हम इसको भी हटा देते हैं, सॉरी यहाँ पर हम इसको थोड़ी सी साइज को और इंक्रीज करेंगे, तो साइज को इंक्रीज हो गई है। साइज इंक्रीज होने के बाद इसकी ड्यूरेशन को भी, इमोजी की ड्यूरेशन को एंड तक कर लेना है आपको। करने के बाद यहाँ पर आपको बैक चलाना है, बैक चलाने के बाद अपना एक प्रोजेक्ट है इनके अंदर मैंने एक इफेक्ट लगाया था, ग्रुप एंड मास्क पर क्लिक करना है। तो इफेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको बैक चलाना है और यहाँ पर ग्रुप एंड मास्क पर क्लिक करके इसको इफेक्ट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर से आपको यहाँ पर इमोजी पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर एडजस्ट हो जाए, उसके बाद में ये एक मैंने यहाँ पर इसका जो टेम्पलेट है ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट उसको ऐड किया, तो मैं गैलरी में है वो आपको दे दूँगा टेलीग्राम पर। तो यहाँ से मैं इसको पेस्ट लेयर करके वहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट लेयर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फोटो के जस्ट ऊपर की तरफ हमें ऐड कर लेंगे। तो अपना वीडियो बनके रेडी हो चुका है, अब इसको शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेना। आज के इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मोबाइल ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए।